आईपीएल 2024 में राजस्थान वाकई रॉयल्स की तरह खेल रहे हैं। संजू सैमसन की राजस्थान लगातार जीत दर्ज कर रही है। जॉस बटलर के शानदार शतक की बदौलत उन्होंने अपने पिछले मैच में बेंगलुरु को भी शिकस्त दे दी। दूसरी तरफ गुजरात का प्रदर्शन लड़खड़ाने लगा है। 5 मैचों में उन्हें 3 हार मिल गई है और पिछले मुकाबले में तो आईपीएल में पहली बार लखनऊ के हाथों उन्हें हार का कड़वा घूंट पीना पड़ गया। जॉस बटलर ने शानदार शतकीय पारी खेलकर कोहली के शतक का जवाब दिया और अपने 100वें आईपीएल मैच में राजस्थान को जीत दिलाई। वहीं दूसरी ओर गुजरात के कप्तान गिल अभी तक सिर्फ 1 अर्धशतक ही लगा पाए हैं और लखनऊ के सामने तो टाइटंस की बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं चली, जिसके चलते उन्होंने आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया। यशस्वी जायसवाल के लिए ये सीजन अब तक अच्छा नहीं रहा है और बेंगलुरु के खिलाफ तो वो खाता भी नहीं खोल पाए, पर संजू सैमसन का बल्ला इस बार जमकर बोल रहा है। बेंगलुरु के खिलाफ 69 रनों की पारी के चलते वो राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वहीं गुजरात का मध्य क्रम अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है। केन विलियमसन और विजय शंकर जैसे खिलाड़ियों को अगर प्लेइंग 11 में बने रहना है तो फिर उन्हें अपने बल्ले से रन निकालने होंगे। जॉस बटलर ने बेंगलुरु के खिलाफ शतक जड़ अपनी फॉर्म हासिल कर ली है। टूर्नामेंट की शुरुआत में उनका बल्ला खामोश था, पर शतक के बाद ये विस्फोटक अंग्रेजी बल्लेबाज उम्मीद करेगा कि उनके बल्ले से अब रनों का सिलसिला बंद ना हो। पर गुजरात के धाकड़ खिलाड़ी राशिद खान बटलर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। गुजरात की जीत की उम्मीद काफी हद तक इस बात पर टिकी होगी कि राशिद अपनी फिरकी से बटलर को कितना तंग कर पाते हैं। राजस्थान की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है और घरेलू मैदान का फायदा उठाकर उनकी नजर लगातार 5वीं जीत दर्ज करने पर होगी। वहीं दूसरी ओर गुजरात भी जीत की तलाश में है। पिछले सीजन उन्होंने जयपुर में जीत हासिल की थी, ऐसे में इस बार भी वो रॉयल्स को उन्हीं के गढ़ में उनकी पहली हार से रूबरू कराने की फिराक में होंगे, पर हम अपना दाम सैमसन की सेना पर लगाना चाहेंगे।